जय श्री केदारनाथ, हर हर महादेव। सो गाइस, अभी हम हैं सोनप्रयाग जगह में और आज वो सपना पूरा होने वाला है जो हर एक हिंदू का होता है कि भाई केदारनाथ धाम के दर्शन करें। तो आज वो दिन फाइनली आ गया बहुत इंतज़ार के बाद। तो आज हम जा रहे हैं अभी सोनप्रयाग जगह पे हैं। यहाँ से आगे से टैक्सी मिलेगी, वहाँ से गौरीकुंड तक जाएंगे। और आज मौसम भी बहुत मेहरबान है, बहुत खुशी है कि आज मौसम बढ़िया है, वरना बारिशें यहाँ पे लगातार हो रही थी और हमेशा होती रहती, लेकिन आज बिल्कुल खुला है मौसम, ये देखो। तो चल रहे हैं यहाँ से आगे। भीड़ वैसे है काफ़ी, उतनी ज़्यादा मतलब ज़्यादा कम भी नहीं है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बट अच्छा है, बहुत एक माहौल बना हुआ है, बढ़िया भीड़ है। मंदाकिनी का प्रवाह इस समय इतना है, देख लो आप लोग। तो आगे टैक्सियाँ लगी हैं, यहाँ से चलते हैं गौरीकुंड को। और इस साइड सोनप्रयाग है, सोनप्रयाग से अप्रॉक्सीमेट 1 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे टैक्सियाँ लगी होती हैं, फिर यहाँ से आगे को गौरीकुंड तक जाएंगे। सो गाइस, हम देख लो यहाँ पे उतरे टैक्सी से और अभी टाइम हो रहा है 7:45, तो ऑलमोस्ट मान लो इसी टाइम से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो गया। देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। वैसे तो भैया बता रहे थे कितने टाइम तक पहुंच जाएंगे, मतलब 3 घंटे में पहुंच जाएंगे हम आराम से, कह रहे थे हम पहाड़ी लोग तो पहुंच जाते हैं आराम से, तो होपफुली 3 घंटे से पहले कर लेंगे ट्रैक, वापस भी आना आज। यहाँ से देख लो बोर्ड पे मेंशन है 16 किलोमीटर का ट्रैक यहाँ से स्टार्ट है। तो चलो बाबा का नाम लेके करते हैं शुरू। बोलो जय भोलेनाथ। और इस साइड में मंदाकिनी बह रही है देख लो, और ये सीधे केदारनाथ से आती है। बाकी यहाँ पे नज़ारा देखो, उधर धूप है और इस साइड में छाया, अभी एक नंबर व्यू। सब बिल्कुल गौरीकुंड पहुँच चुके हैं और यहाँ से आगे की लोकेशन अब पता करनी है कैसी है। होपफुली अब यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाएगी शायद, अभी तक तो रोड आए थे हम यहाँ तक, यहाँ से चढ़ाई का देखते हैं आगे का। तो गाइस 2 किलोमीटर ट्रैक हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा हालतें ख़राब है, लेकिन ये देखो सामने चौखंबा पर्वत पहुँच चुका है। चौखंबा पर्वत है देख लो, 4 शिखरें होती है, इस वजह से चौखंबा कहलाया जाता है। अभी सिर्फ 2 किलोमीटर का ट्रैक किया है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कर लिया होगा, लेकिन पता नहीं थकान लग रही है ज़्यादा। लगभग 1 घंटा हो चुका हमने, और 1 घंटे में लगा लो 2 किलोमीटर, मतलब पता नहीं क्या ही राज है। हाँ तो नीचे ज़्यादा भीड़ थी ना इसलिए। खैर भीड़ भाड़ भी है, पर वो घोड़े जो आ रहे हैं बीच बीच में, उसके वजह से फटाफट भी तो जा रहे हैं, पर चलो पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्लो आ रहे हैं। 2 किलोमीटर हुआ, अभी 14 किलोमीटर बाकी है। चलो 8:30 का टाइम है, आगे चलते हैं। सुबह जगह जगह देख लो, आपको वॉशरूम भी मिलेंगे और पीने का पानी भी उपलब्ध है। तो ये तो ऐसा ना सोचे कि चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सारा कुछ है, वॉशरूम है, बाथरूम है और पीने का पानी भी अवेलेबल है। तो चल रहे हैं, अभी 3 किलोमीटर का ट्रैक पूरा किया और ऊपर साइड में जाना है अभी। तो सुबह 3 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद देख लो यहाँ पे भैरव मंदिर, तो लिख लो सारे। तो गाइस 3 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने के बाद जो थकान लगी थी वो इस वाले नज़ारे ने, इस वाटरफॉल ने ख़त्म कर दी है। देखो कितना प्यारा लग रहा है।
गाइस 9 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद का ये वाला दृश्य है। देखो पहाड़ कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। सो गाइस यहाँ से ये कैंप वाले जो साइट्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे जब भी आप दर्शन करके आओ ऊपर से, तो यहाँ पे अगर आपको नीचे जाने का टाइम नहीं है, लेट हो गए हो, तो यहाँ पे आप कैंप लगा के रह सकते हो। सो गाइस वो है गौरीकुंड वाली लोकेशन, उधर कहीं उधर से हम ट्रैक करते हुए आए और यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो यहाँ तक हम 12 किलोमीटर आ चुके हैं। यहाँ से आगे ये बेस कैंप है, यहाँ से आगे अभी 4 किलोमीटर और रह रही है, वहाँ कहीं पे लोकेशन है, तो वहाँ केदारनाथ धाम है। सो गाइस और आगे आए हैं और अब देखो ये पर्वत इतने पास से कितना खतरनाक दिख रहा है। इधर कहीं पे मंदिर है, इधर जाएंगे। सो गाइस यहाँ से बस 2 किलोमीटर और बाकी है, और एक बार नज़ारा देखो वो पर्वत, और यहाँ देखो ये नदी, मंदाकिनी बहती हुई। तो गाइस बिल्कुल सामने है केदारनाथ धाम के, वहाँ पे कहीं मंदिर है, तो आगे चल रहे हैं यहाँ से। सो गाइस हो गए दर्शन और फिलहाल पीछे आए, देख लो भीमशिला के सामने। तो यही वो भीमशिला है जिसने उस बाढ़ को 2 पोर्शन में डिवाइड किया था ऐसे में। और यहाँ से देख लो ये मंदिर का नज़ारा पीछे है बिल्कुल ये, और ये देख लो वो तबाही वाला जो थोड़े बहुत निशान बचे हैं, देख लो वहाँ से पूरा यहाँ तक जो आया था बह के, और यहाँ पर आके फिर इस वाले पत्थर ने यहाँ पर रोक लिया था इसको। ये देख लो मन्नत जब मांगते हैं उसके बाद ऐसे कर देते हैं यहाँ पे, तो इतने सारे लोगों ने करे यहाँ पे रखे हुए, देखो पत्थर ऐसे जोड़ जोड़ के, बिल्कुल ठीक पीछे है मंदिर के। हमने दर्शन कर लिए थे ऑलमोस्ट 2:30 बजे तक, अभी 3 बजने वाले हैं, तो 3 बजे के बाद ये बंद हो जाएगा, फिर वापस 5 बजे खुलेगा मंदिर। तो आजकल आप आना चाहो तो बढ़िया मौसम है, देख लो धूप लगी हुई है, बादल हैं, बादल तो हमेशा ही रहते हैं, इस साइड हल्के बहुत काले हैं, लेकिन फिर भी अभी बारिश नहीं हुई यहाँ पर सुबह से। तो प्लान करना हो तो आप आ सकते हैं आजकल जल्दी, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। अभी भी काफ़ी लाइन है वहाँ पे, काफ़ी भीड़ है लाइन जो लगी हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि देख लो क्योंकि 2:45 हो गए हैं। तो खैर हम तो यही चाहेंगे कि दर्शन कर लें सारे लोग, लेकिन 3 बजने वाले हैं, देखते हैं करते हैं कि नहीं। बाकी हमने जो ट्रैक किया वो 5 घंटे में कम्प्लीट किया, हम 8 बजे निकले थे तो हम यहाँ पर 1 बजे पहुँच गए थे ऑलमोस्ट। 16 किलोमीटर का ट्रैक बताया जाता है, लेकिन हमें जो लगा वो हमें लगा ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर के राउंड तो लगा है ना, तो काफ़ी मतलब थकान सी लग गई थी। हम ऑलमोस्ट 5 घंटे हमने लगाए इस ट्रैक को पूरा करने में, तो शायद जिन जो लोग आ चुके हैं यहाँ पे उनको भी महसूस हुआ होगा ऐसा। बाकी सारे लोग जो आना चाहते हैं आ सकते हो आजकल जल्दी जितना हो सके, क्योंकि मौसम बढ़िया है, देख लो उधर धूप है, तो सवेरे से आज मौसम यहाँ पर बढ़िया है, बारिश नहीं हुई है, तो क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम होती है वो बारिश की होती है, क्योंकि भाई बारिशों में रास्ते इधर उधर हो, रास्ते ख़राब हो जाते हैं, फिसलन हो जाती है, लेकिन आजकल बढ़िया मौसम है, सब कुछ रास्ते बढ़िया हैं और मौसम बढ़िया है, तो आप आराम से दर्शन भी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो ये मंदिर का मैं दाहिनी तरफ आया हूँ, ऐसा व्यू है, अभी मैं पीछे साइड जाता हूँ, बैक भी दिखाता हूँ मंदिर का। ये मंदिर का बैक साइड है और ये वाला लेफ्ट साइड व्यू है मंदिर का, इस साइड से बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, और फ्रंट भी कुछ ऐसा है मंदिर का जो सबको बहुत ज़्यादा प्यारा है। और हल्का बहुत ये देखो मंदिर के आगे से, और ये हल्का बहुत लेफ्ट और फ्रंट का कॉम्बिनेशन वाला व्यू है,
तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कौन सा व्यू अच्छा लगा जरूर कमेंट करें। जय भोले शंकर। ये मेन गेट है मंदिर का, यहाँ से आप प्रवेश करते हैं आगे को। तो ये फ्रंट व्यू, जय भोले शंकर। अभी मंदिर के आगे बैठे हैं, बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी वैसे तो दर्शन करके, और यहाँ पे पहुँच के थकान मिट गई है। बाकी थोड़ी बहुत जो बची थी वो यहाँ पे थोड़ा पैर सीधा करके और मिटा रहे थकान जितनी बची हुई है। तो अभी वापस भी जाना है वैसे सोनप्रयाग या गुप्तकाशी, जहाँ भी जाएंगे, क्योंकि होटल में सामान भी रखवाया हुआ है वो भी कलेक्ट कर रहे हैं। बस जल्दी जाना पड़ेगा, फिलहाल यहाँ बैठे हैं और आज फाइनली दर्शन कर लिए हैं। खुशी है, जो सपना था वो आज पूरा हो गया फाइनली।